मेरी आदत ये है कि सुबह सुबह मैं झाड़ू लगा के ही मतलब कुछ काम करती हूँ, और हमारे जो पति देव हैं उनको ये रहता है कि फटाफट झाड़ू लगे या ना लगे उनको खाना मिल जाए। अगर मुझे इमरजेंसी होती है तो मैं फटाफट से एक काम करती हूँ, किचन में झाड़ू लगा देती हूँ, किचन में झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा लगा देती हूँ, उसके बाद में खाना बना देती हूँ हस्बैंड के लिए। वो कहते हैं ना कि पूजा पाठ का भी हमारा पुण्य जब ही मिलता है जब हम सुख शांति में करें। पति भूखा है, बच्चे भूखे हैं, खाने के लिए चिल्ला रहे हैं और हम अपनी पूजा पाठ में लगे हुए हैं, तो वो हमारी पूजा पाठ किसी काम की है नहीं। तो इसलिए मन तो मेरा नहीं करता है कि मैं मतलब खाना बनाऊँ पूजा पाठ करने से पहले, बट क्या करूँ, करना पड़ता है, क्योंकि जब मुझे पता है कि उनको खाना चाहिए ही चाहिए। और ये देखो मेरा डफी बैठ गया किचन में आके। एक बार मैं खाना बना चुकी हूँ, सुबह झाड़ू लगा, तो जी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। ये सुबह की झाड़ू निकल रही है मेरी, तो सुबह सुबह एक बार ना मैं सब कुछ करने से पहले मतलब झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद में मेरे काम शुरू होते हैं। अभी झाड़ू लगा दूँगी, उसके बाद में मेरा काम बचेगा पोछा लगाने का। एक बार शाम को झाड़ू लग जाती है बस फिर क्लीन ही रहता है, ऐसे तो फैलता ही रहता है थोड़ा बहुत घर में। और मेरी आदत है मैं एक बार सफाई कर देती हूँ, मतलब ये नहीं है कि हाँ मैंने झाड़ू लगाई है तो कोई घूमो मत, मैंने पोछा लगाया तो कोई घूमो मत गंदा हो जाएगा, नहीं, अगर गंदा हो रहा है तो हो ही रहा है। और ये देखो मेरे ऋतिक के काम है, ये गिलास डाल रखा है यहाँ पी के, वो छोटे बच्चों की तरह कूड़ा फैलाता है, छोटे बच्चे नहीं होते जैसे वैसे कूड़ा फैलाता है। तो यहाँ पर मैं लाइट ऑन कर देती हूँ और ये वाले फैन दोनों में ऑफ कर देती हूँ। तो लाइट ऑन कर दिया मैंने, हेलो रफी, हाउ आर यू? 1 hour later। तो जी अब मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैंने गैस पे रखा हुआ है कुकर, यहाँ पे मेरी सब्जी बन रही है। तो सब्जी हमारी बनती रहेगी, उसके साथ साथ मुझे और भी काम करने, बर्तन मेरे साफ हो गए हैं, मैंने क्लीन कर दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे, और ये पराठे मैं बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल नमक के। तो उसके लिए आटा गूंद लिया था, उसके बाद में बस लोई बना के उसको फोल्ड करके पराठा बना दूंगी मैं। तो फोल्ड हम अपने हिसाब से कर लेते हैं, जिस भी शेप में हमें बनाने होते हैं। तो बच्चों की डिमांड हो रही थी मम्मी नमक के पराठे बना दो, तो बढ़ाना जी तो खा के चले गए, वो मक्के की रोटी खा के गए सुबह चटनी के साथ में। अभी सब्जी बन रही है, दोपहर को आएंगे तो सब्जी के साथ में खाना खा लेंगे। इतने में बच्चों के लिए जो है नाश्ते में बना दे रही हूँ पराठे नमक वाले। नमक के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, अचार के साथ में और चाय के साथ में खाओ तो, बच्चे दही के साथ में खाते हैं बट मुझे तो चाय के साथ में ज़्यादा पसंद है। और अभी मैं आराम से अपना खाना बना रही हूँ, क्योंकि बढ़ाना जी होते हैं ना तो वो बहुत जल्दी मचाते हैं, जल्दी बना जल्दी बना जल्दी बना करके। तो बच्चों के साथ ऐसा नहीं है, वो आराम से अपना मज़े में बैठे हुए हैं। तो जी यहाँ मुझे अपना कैमरा सेट करना पड़ रहा है, ट्रैपोड मेरे पास है नहीं, ट्रैपोड ख़राब हो गया है, तो यहाँ पे कराया देसी जुगाड़ कैमरा रखने का, ताकि गैस के ऊपर इसका फोकस आ जाए। तो मैं तो नमक के पराठे इसी तरह से बनाती हूँ, आप लोग किस तरह से बनाते हो सबका अपना अलग ये स्टाइल होता है बनाने का। पराठे भी कई तरह से बनाए जाते हैं, एक लच्छा पराठा भी बनाया जाता है, उसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की है। मैं किसी दिन बनाऊंगी ना, बनाती रहती हूँ, मेरे बच्चों को लच्छा पराठा भी बहुत ज़्यादा पसंद है और बढ़ाना जी तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जब भी मैं कभी पराठे बनाऊंगी ना तो बोलेंगे कि ये कौन से पराठे बना रही है, सिंपल सिंपल बना रही है, वो वाला पराठा बना जो बिल्कुल खस्ता बनता है लच्छा पराठा। तो उनको खाने में वैरायटी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पराठा हमारा बन चुका है, यहाँ पे मैं डाल ले रही हूँ, बच्चों को दे देती हूँ साथ के साथ, क्योंकि ना गर्म गर्म पराठे ही अच्छे लगते हैं, ठंडे होने के बाद में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और ये जो डब्बा रखा हुआ है ना, इसके अंदर आम का अचार है घर का बना हुआ, बहुत अच्छा है। इस बार ना हमने मतलब ज़्यादा अचार नहीं बनाया था, क्योंकि फिर ना पूरे साल तक मतलब ज़्यादा खाया नहीं जाता है, वेस्ट ही होता, तो थोड़ा ही अचार बनाया था। तो ये पुराना वाला नहीं है, नया वाला है। और बढ़ाना जी को जो है अचार पुराना वाला पसंद है, ये बच्चों के लिए मैंने निकाला है। और इसमें मैंने थोड़ी सी मिर्ची भी डाली हुई है, अचार की मिर्च होती है ना, उसके अंदर मसाला डाल के मिर्च को धो के सुखा के और उसके अंदर चीरा लगा के जो बनाते हैं
वो मैंने मिर्च भी यहाँ पे मिक्स की हुई है, तो मुझे अचार के अचार मतलब आम का अचार और मिर्ची का अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये जो मैं पराठा बना रही हूँ ना, इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ मक्खन, जो हम लोग घर पे बनाते हैं ना, जो वाइट मक्खन होता है उससे मैं बना रही हूँ। वाइट मक्खन का जो पराठा होता है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बनता है, तो खुशबू बहुत प्यारी होती है। खुशबू आप लोग बना के देखना, अलग ही टेस्ट होगा। तो जी अब मेरा गैस का काम ख़त्म हो चुका है, खाना मैंने बना दिया है और यहाँ पे मैं अब साफ़ कर दूँगी। तो उसे क्लीन करने के बाद में, मेरी आदत ना खाना बनाने के बाद में तुरंत से गैस साफ़ करने की है, बट ना बोलते हैं कि गर्म गैस साफ़ नहीं करनी चाहिए, तो ये मैं इस तरह से नहीं कर रही हूँ, हल्का सा बस आटा झाड़ दे रही हूँ, बाद में तो मैं क्लीन करती हूँ। खाना बनाने के बाद में पूरा काम ख़त्म हो जाएगा, तब तक गैस भी ठंडी हो जाएगी, तब हम इसको साफ़ कर देंगे। तो जी किचन का काम हमारा ख़त्म हो चुका है, बालकनी में आ गई मैं, बच्चे बालकनी में थे, यहाँ पे रोड बन रही है तो यहीं बालकनी में खड़े हुए थे। तो सिंगल तो बन गई है, ये डबल बनेगी, एक तरफ से कल बन जाएगी, थोड़े थोड़े गड्ढे हो रहे थे रोड पे, तो बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे जो ये प्लांट हैं, ये नौबची है, इसमें फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है, मजेंटा कलर का फ्लावर है इसमें, कई तरह के होते हैं बट मेरे पास में ये मजेंटा ही है। और दूसरा पौधा है हमारा, उसका जेड प्लांट भी बोलते हैं इसको, बटन बेल भी बोलते हैं। तो चलिए फिर आज का व्लॉग हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।